नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वीज़ा गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, चैनल करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, आप लोगों ने जो वीडियो का टॉपिक है वो थंबनेल यूट्यूब थंबनेल है उस पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज वीडियो की पिक क्या है, ठीक है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में, बहुत अच्छी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे जो कंट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, और ये यूरोप में एक बहुत ही छोटा सा देश है, ठीक है। और जो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा देश है। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो नॉर्वे के बारे में करने वाला हूँ, ठीक है, कि नॉर्वे कैसा है, ठीक। तो नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो नॉर्वेजियन है और यहाँ की जो राजधानी है वो ओस्लो है, ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है, जिसकी जो आबादी है, आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत ही कम है। सिर्फ 50 लाख लोग हैं जो नॉर्वे में रहते हैं, ठीक है। और मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन का, तो नॉर्वे का इमिग्रेशन जो है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और नॉर्वे PR और सिटीजनशिप जो दिलाता है वो बहुत ही इजीली दिलाता है। दोस्तों, मैं PR सिटीजनशिप और वीज़े के बारे में डिस्कस अपनी अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका टाइम ज़्यादा ले नहीं सकता, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में नॉर्वे के वीज़ा के बारे में और आगे PR के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जिन्होंने अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों, जो नॉर्वे कंट्री है ये बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। यहाँ पे लोग क्यों आना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्वे जो देश है यूरोप का, ये यूरोप का सबसे खूबसूरत देश है, बहुत ही अच्छा देश है। यहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत पीसफुल है। नॉर्वे में जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। जिस कारण यहाँ पे बहुत से देशों के लोग आके बसना चाहते हैं, ठीक है। और कई देशों के लोगों का यहाँ अच्छी खासी तादाद में इमिग्रेशन है। श्रीलंका के लोग काफ़ी ज़्यादा नॉर्वे में हैं, पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्वे में हैं और इंडियन भी नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो रहने के लिहाज से अगर देखा जाए तो नॉर्वे बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी जो ख़ास बात है, यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। अगर आप, मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे आप नॉर्वे में, अगर आप, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप, अगर अच्छा आपका स्किल है तो आप नॉर्वे में फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि नॉर्वे की जो एजुकेशन है वो सारी की सारी फ्री है। तो बहुत से देश के लोगों का उसकी ओर अट्रैक्शन है। बहुत से तो इसके लोग हैं जो नॉर्वे में जाके वहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों का और उनके परिवार का वहाँ बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि एक देश में फ्री एजुकेशन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अगर रुपया खर्चा होता है, डॉलर खर्चा होता है, तो एजुकेशन में खर्चा होता है, और जो कि नॉर्वे में बिल्कुल फ्री है। इसलिए बहुत से लोग चाहते हैं कि वो नॉर्वे में जाके सेटल हो जाएं, नॉर्वे में जॉब करें, ठीक है। दूसरी जो सबसे खास बात यह है कि वह प्राइमरी से लेके बैचलर, ठीक है, और PG तक वहाँ पे जो एजुकेशन है वो अधिकतर फ्री है, ठीक है, और उसकी कोई फीस नहीं पड़ती है, ठीक है। तो नॉर्वे रहने के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्वे की जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम नॉर्वे का वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और बात करता हूँ अगर नॉर्वे के हेल्थ के बारे में, ठीक है, तो नॉर्वे में फ्री एजुकेशन के साथ साथ
नॉर्वे जो दूसरा चीज़ जो लोगों को देता है, नॉर्वे की जो गवर्नमेंट देती है वो फ्री हेल्थ भी है। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे फ्री हेल्थ भी देता है। और नॉर्वे जो है ये एक नॉर्वे में राजतंत्र है। ठीक है, यहाँ राजा ही राजा राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र भी लोकतंत्र पर निर्भर है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट है, और जो वहाँ नॉर्वे को एक किंगडम कहते हैं, वो एक राजतंत्र है, लेकिन वो मतलब प्रजातंत्र के हिसाब से, मतलब प्रजातंत्र भी वहाँ पे है। ठीक है, तो संसद भी है, और एजुकेशन फ्री हेल्थ एजुकेशन की बात की, अब मैं फ्री हेल्थ की बात करता हूँ, तो नॉर्वे का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और यहाँ पे सारी जो फैसिलिटी है वो फ्री मिलती है। अगर कोई बीमार है और वो अस्पताल जाता है तो उसका सारा कुछ जो चेकअप है और जो कुछ भी आपको फीस पड़ेगी उसका कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अगर किसी भी को सबसे ख़ास चीज़ क्या है किसी के लिए, एजुकेशन है किसी के परिवार के लिए, तो वो क्या चाहता है कि उसे एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले। ठीक है, उसके परिवार को अच्छा हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, तो नॉर्वे ऐसी है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है, आपको फ्री एजुकेशन भी दे रहा है, आपको फ्री हेल्थ भी दे रहा है। ठीक है, वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको वो सब कुछ वो दे रहा है। और नॉर्वे में जो डॉक्टर हैं उनकी कोई ये नहीं है कि बहुत मनी, ठीक है, वो सब जो वहाँ की जो जो राजा हैं, ठीक है, वहाँ के जो गवर्नमेंट उसके अंडर में हैं। तो नॉर्वे इनके लिहाज से, औरत के लिहाज से, और ये बिल्कुल बिल्कुल है। और कोई भी किसी भी देश का कोई भी है, वो कोई व्यक्ति है, कोई भी है या कोई भी लड़की है, वो अगर नॉर्वे पढ़ना चाहती है तो नॉर्वे की गवर्नमेंट उसे भी स्कॉलरशिप देती है पढ़ने के लिए। ठीक है, और उस स्कॉलरशिप के से वो नॉर्वे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए उसको अच्छी मतलब अच्छी एजुकेशन, मतलब काफ़ी अच्छा उसका एजुकेशन हो जाए। ठीक है, उससे एक पेपर देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो उस पेपर को देख के आप वहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो यहाँ का जो बाकी चीज़ है, मतलब रहने के लिहाज से हर चीज़ यहाँ बढ़िया है। और मैं बात करूँगा नॉर्वे के पासपोर्ट की, तो नॉर्वे की पासपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्वे का पासपोर्ट आपके पास है तो आप बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि नॉर्वे के वीज़ा के बारे में। ठीक है दोस्तों, और नॉर्वे में कैसे आप प्यार रखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे मैं याद करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो मुझे कमेंट करें या ईमेल करें कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और आप मुझे ईमेल के माध्यम से, ईमेल के ज़रिए आप मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप मुझे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।